नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अडा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए इंटरेस्टिंग सेशन में। तो दोस्तों, इस नए इंटरेस्टिंग सेशन में आज हम इसी के लिए जो क्या करने वाले हैं, यूपी जीके का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन को प्रस्तुत करूंगा मैं प्रभाकर झा। तो आप लोग को करना क्या होगा दोस्तों, इस जो लाइव सेशन है उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ ही में दोस्तों, मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इस चैनल को आपको है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग यूपी एग्जाम के तैयारी करते हो, अर्थात कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों जबरदस्त लेकर के आए हैं टारगेट यूपी पीएससी का। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्या है टारगेट यूपी पीएससी का, हम लोग बैच लेकर के आए। आप लोग कैसे परचेज कर सकते हो, सबसे पहले adda247.com को विजिट करना है। और adda247.com जैसे ही आप विजिट करोगे, ठीक है, ये होम पेज जो आपके सामने खुल के आएगा। और जब पेज जब आपका खुल जाएगा दोस्तों, तो ठीक सबसे ऊपर में यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च करना है आपको टारगेट। ओके, टारगेट यूपी। जैसे ही टारगेट यूपी आप डालोगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका टारगेट यूपी पीएससी 2020 प्रीलिम्स पेपर 1+2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है दोस्तों। 18 जनवरी से शुरू है, सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में। और इसमें आप देखोगे दोस्तों कि जो आपको 250 आवर्स की इंटरेक्टिव लाइव क्लास, काउंसलिंग सेशन, रिकॉर्डेड भी, अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करेंगे, स्ट्रैटेजी सेशन हम लोग जो है आपको बताएंगे, प्रिपरेशन टिप्स देंगे। पेपर को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इस कोर्स का प्राइस है 9,999, लेकिन करना क्या, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। और व्यू ऑफर्स पे यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे मेरा कोड लगाना है Y259। जैसे लगाओगे दोस्तों, ये कोर्स जो होगा मात्र 2,299 रुपये में आपको मिल जाएगा। सुनाओ, अब हम लोग को जो एमसीक्यू करना है दोस्तों, फटाफट जो आपका एमसीक्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो डिटेल में जो चीज़ों को हम लोग को कवर करना होगा, यूपी जीके के जो एमसीक्यू है उसको हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, सीधा यहाँ से पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि किस स्थान का संबंध जो है मुगल उत्तराधिकार के युद्ध से है। खजुहा, इटावा, चंदाबर, वाराणसी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मंगोलों का जो शासन कब से कब तक रहा, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और साथ ही दोस्तों ये भी आपको पता रहना चाहिए कि अपने इंडिया में जो मुगलों का जो शासन होता है दोस्तों, उसके कौन कौन से शासक कब जो है किसने शासन। तो आपको ये ध्यान में होगा कि मुगलों का शासन जो है बाबर से युद्ध होता है, शुरू होता है। और उसके बाद जो है दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है आपका, हम लोग कहते हैं दोस्तों कि मुगलों के जो आपका शासन जो है उसकी नींव डालता है अपने इंडिया में। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ध्यान दोस्तों, यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो यहाँ से जो नेक्स्ट चीज़ें आते हैं उसको हम लोग को कवर अप करना है। तो सर होगा होगा आपका खजुहा से जो है आपका मुगलों के जो उत्तराधिकार के युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ, 1850 से 60 ईस्वी, 1850 से या 1860 से 70 कर दो, 1855 से जो 55 ईस्वी में, 1870 से 75 ईस्वी में कब हुआ था, ये आप लोगों को बताने की जरूरत है दोस्तों। ऊपरी गंगा के नहर का निर्माण जो है आपका कब हुआ था, जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा कि ऊपरी गंगा के जो नहर का निर्माण जो है कब हुआ था। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा से संबंधित जो बहुत स्कीम भी न्यूज़ में है ना, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करते रहना है, आंसर जो यहाँ पे कंटिन्यू आप लोगों को करते रहना चाहिए। आंसर में दोस्तों कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आना चाहिए, जल्दी जल्दी से आप लोग करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है दोस्तों हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं ना। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और इसका बता दूँ, 1850 से 60 में जो है आपके ऊपरी गंगा के नहर का निर्माण हुआ था। फिर भिटौरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ है, भिटौरा नामक प्राचीन जो है आपका ऐतिहासिक स्थल कहाँ है, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, वाराणसी, कहाँ पर है, ये आपको भी बताने की जरूरत है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो भिटौरा नामक जो प्राचीन स्थल जो है दोस्तों वो आपका कहाँ, फतेहपुर में है। कहाँ पर है, फतेहपुर में है। इन चीज़ों को ध्यान में आप लोगों को रखने की जरूरत है, फतेहपुर में है। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है, 70.64%, 65.70%, 68.80%, या जो 72.90%। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को भी कमेंट कर देने की जरूरत है दोस्तों। तो 68.80% भाग पर, 68.80% भाग पर जो है दोस्तों आपका क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। ओके,
फिर बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों कितनी है, 600 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर, 300 मीटर, जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोगों को कमेंट कर देने की जरूरत है, फटाफट जो दोस्तों आंसर जो यहाँ पर आप लोगों का आते रहना चाहिए, आंसर में कोई कमी नहीं करना है। ओके, तो अनिल जी भी जो हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं, तो बस आप लोग को लाइक कमेंट और शेयर जो दोस्तों फटाफट आप लोग को करते रहना चाहिए, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, इतना मैं आप लोग को सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग अगर ऐसे को आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप आसानी से जो है दोस्तों यूपी जीके को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और फटाफट जो है दोस्तों आंसर आप लोग को करते रहना, जितना जल्दी हो सकता है आंसर आप लोग करते रहिए, आंसर करने में जो दोस्तों कोई कमी जो है आप लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक। फटाफट जो आंसर आप लोग करिएगा जरूर, जितना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ, ठीक है, और हर एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर अप करते चल रहे हैं, ताकि जो हमारा क्या हो जाए कि यूपी जीके का जो आपका पोर्शन हो वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर है, कितनी है, 300 मीटर है। ओके, इन चीज़ों को ध्यान में आप लोगों को रखने की जरूरत है, 300 मीटर है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, जल्दी से आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए दोस्त, हुई थी, फटाफट जो है आप लोगों को आंसर जो है यहाँ पे कमेंट करके बताना चाहिए, जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जो है दोस्तों आंसर करके आप लोग बता दीजिए क्या होगा, कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को पता होगा कि बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे जो है हुआ था, और 6 साल तक उन्होंने जो है तपस्या किया था, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और फिर आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध जो थे वो अपने घर को जो छोड़ दिए थे 29 वर्ष की आयु में, है ना, इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक, और जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से तो हमें तैयारी तो प्रॉपर जो है हमें करनी चाहिए। और महापरिनिर्वाण अर्थात कि उनका जो मृत्यु जो है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो फटाफट जो है दोस्तों आप लोगों को आंसर जो है यहाँ पे कर देने की जरूरत है, कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि कुशीनगर में जो है आपका क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है दोस्तों कुशीनगर में जो आपकी हुई थी, कहाँ पर, कुशीनगर में, बहुत ही अच्छे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग देखते हैं, ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई थी, 1991, 1992, 1993, 1995 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को भी जो आंसर जो है करने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो है आप लोग भी आंसर करके बताइए कि ग्रेटर नोएडा की स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी, जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को आंसर कर देने की जरूरत है, ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब हुई थी। नोएडा का फुल फॉर्म आप लोग को पता, न्यू ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे जो है एरिया, ठीक, ये नोएडा का जो आपका फुल फॉर्म है, इन चीज़ों को भी ध्यान में आप लोगों को रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, तो आप लोग को भी ध्यान में जो है इन चीज़ों को रखना चाहिए, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो, जितना जल्दी सबसे पहले तो आप लोग को जो है कमेंट कर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और यूपी के एग्जाम में दोस्तों नोएडा और ग्रेटर नोएडा से संबंधित जो है आप लोग का क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन जो आपका बनता ही बनता है, तो आप लोग को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, फटाफट जो है दोस्तों आंसर करने की जरूरत है, जितना जल्दी हो सकता है आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, फटाफट जो है दोस्तों आप लोग को बताने की जो है जरूरत है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि ग्रेटर नोएडा की स्थापना जो है दोस्तों कब की गई थी, आप लोगों को कमेंट करना है, ग्रेटर नोएडा की स्थापना जो है कब की गई थी, फटाफट जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट कर देना है। चलिए तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि ग्रेटर नोएडा की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ग्रेटर नोएडा की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, वो आपका 1991 ईस्वी में हुई थी, कब हुआ था, 1991 ईस्वी में जो है आपका ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई थी। ओके, ध्यान जो है लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुई, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है आपके जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, वो आपके विपक्षी दलों के होंगे, ये कौन से राज्यों से शुरू हुई, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कहाँ से जो है शुरू हुई थी, ठीक है, फटाफट जो है आप लोगों को कमेंट कर देने की जरूरत है, जल्दी जल्दी से फटाफट जो है आंसर जो है कमेंट करके बताइए कौन से राज्यों से हुई थी। अभी कौन से राज्यों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आंसर जो है सिंपल आप लोग लगा सकते हो कि जो आपके
पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो अध्यक्ष होगा विपक्षी पार्टी से होगा। इसकी शुरुआत दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होती है, उत्तर प्रदेश से जो है दोस्तों। इसकी शुरुआत को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, कहाँ से होती है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा जरूर। तो यार हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जोगापुर पंप नहर का निर्माण परियोजना किस पद जो है जनपद में है, लखनऊ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, श्रावस्ती। जल्दी से आप लोगों को कमेंट कर देना है दोस्तों। जोगापुर पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है, कौन से जिलाओं में है, आपको जो है कमेंट फटाफट आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। तो जोगापुर पंप नहर की निर्माण परियोजना जो है दोस्तों कहां पर है, कौशाम्बी में, कहां पर है, कौशाम्बी में, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, कौशाम्बी में है ये, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं, इलाहाबाद तथा महोबा, गाजियाबाद तथा ललितपुर, कानपुर तथा सोनभद्र, वाराणसी तथा ललितपुर। जल्दी से आंसर जो है आप लोगों को कर देना होगा, फटाफट जो है दोस्तों आंसर जो है आप लोगों को करना चाहिए, इसका आंसर जो है क्या होगा और बताना भी चाहिए इसका आंसर जो है क्या होगा, फटाफट जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को जो है कमेंट करके दोस्तों बताते रहना चाहिए, ठीक है। फटाफट जो दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे जो घनी जो आबादी वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम है ललितपुर, तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर जो होगा बी होगा, क्या होगा, बी होगा। महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ। जल्दी से आप लोग को कमेंट कर देना है इसका आंसर जो है दोस्तों क्या होगा, फटाफट जो है दोस्तों आप लोगों को भी बताते रहना चाहिए, ठीक है। पीयूष वर्मा जी का कमेंट आ रहा है, ठीक, जल्दी जल्दी से आप लोगों को भी कमेंट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों फिर हम लोग जो यहाँ से देखिए, महा जो हमारे अमिताभ बच्चन जो है दोस्तों उनका संबंध जो है कहाँ से है, आप लोगों को लाइक भी कर देना चाहिए, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन का संबंध जो इलाहाबाद से है, कहाँ, प्रयागराज, इलाहाबाद से है, ठीक। यमुना एक्सप्रेस वे पर कितने वर्षों की कब जो है अधिकार दिया गया, यानी कि यमुना एक्सप्रेस वे जो टोल वसूला जाएगा कितनों साल, कितने सालों तक, 35 वर्ष तक, 36 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, जल्दी से आपको कमेंट कर देने की जरूरत है दोस्तों। फटाफट जो है आप लोग भी आंसर जो है यहाँ पे देगा इसका आंसर जो है क्या होगा, फटाफट जो है आंसर करने की जरूरत है दोस्तों। पूजा राणा जी भी जुड़ चुके हैं, अनिल कुमार जी का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट जो है आप लोग को बताना चाहिए इसका जो है क्या होगा। पूजा जी हेलो सर, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग पूजा जी। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 36 वर्षों तक के लिए जो है टोल वसूला जाएगा आपके यमुना एक्सप्रेस वे पर, ओके। अगला, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था, 2002, 2003, 2004, 2001, इसका आंसर जो है क्या होगा, फटाफट जो है आप लोग को बताने की जरूरत है दोस्तों जल्दी जल्दी से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 2003 में जो है दोस्तों, कब, 2003 में, याद रखिएगा कि 2003 में जो है भारत सरकार उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में जो है सूचीबद्ध किया था 2003 में, कब किया था, 2003 में, बहुत ही अच्छे। अगला, मेढक मंदिर किस जनपद में है, मथुरा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर। मेढक मंदिर जो है दोस्तों कौन से जनपद में है, मथुरा, लखीमपुर खीरी और लखनऊ या कानपुर, कहाँ पर है मेढक मंदिर, आप लोग को भी बताने की जरूरत है दोस्तों। मेढक मंदिर जो है आपका कहाँ पर है, मथुरा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ या कानपुर, मेढक मंदिर आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मेढक मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पर है, क्योंकि अपने आप में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोग को भी जो आंसर यहाँ पे करते रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट सेशन जो है दोस्तों ये हमारे लिए है, आप लोग को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है आंसर जो है आप लोग करिएगा जरूर, ठीक, जितना जल्दी हो सकता है कमेंट करके बताते रहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो मेढक मंदिर है वो लखीमपुर खीरी में है, कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में जो है मेढक मंदिर है, ओके। प्रेस संबंधी कानून गैगिंग एक्ट कब आया था, प्रेस संबंधी कानून जो है दोस्तों गैगिंग एक्ट कब आया था, जल्दी से आप लोग को बताने की जरूरत है, 1856, 57, 58, 1859, प्रेस संबंधी जो कानून है गैगिंग एक्ट आपका कब आया था बताइएगा जरूर। तो 1857 में जो है ये आया था, कब आया था दोस्तों, 1857 में जो है ये आपका आया था, ओके, बहुत ही अच्छे। देन
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कब कर दिया गया? 1902, 1905, 1908, 1909 कब किया गया? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोगों को भी पता होना चाहिए आपको इसका आंसर क्या होगा। अच्छा पीयूष जी, ये लखीमपुर खीरी से ही है, बहुत अच्छे। ठीक, तो सभी लोग को कमेंट्स करते रहना चाहिए और लाइक कमेंट शेयर जो है दोस्तों कंटिन्यू करते रहना चाहिए। लाइक कमेंट शेयर में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को करना है, फटाफट जो है दोस्तों आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर जो है कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जल्दी जल्दी से लाइक कमेंट शेयर जो है कर दीजिए और कमेंट तो करते रहिए, आप सभी लोग को कमेंट करना जरूरी है। चलिए तो याद रखना है दोस्तों, आप लोग के लिए भी ये इवेंट है कि 1902 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोग को ध्यान में रखना है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदल करके यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था 1902 ईस्वी में। ठीक है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है दोस्तों शारदा, गंगा, बेतवा, रिहन कौन सी नदियों पर बनाया गया, आप लोग को भी कमेंट करके बताना होगा। तो ओबरा जो है आपका जल विद्युत केंद्र जो है दोस्तों वो रिहंद नदी पर जो है बनाया गया, कौन सी नदियों पर? रिहंद नदियों पर ये बन गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला कौन सा है? सोनभद्र, खीरी, बहराइच, फिरोजाबाद। सबसे ज्यादा जो दोस्तों आपका जौ जो है कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो जौ जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका फिरोजाबाद में होता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1946, 47, 48, 1949, आप लोगों को भी पता होना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों अंतरिम सरकार में 1946 में ही प्रधानमंत्री बन चुके थे, है ना, जिसका आंसर क्या होगा ए। कांपिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कांपिल उत्सव जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? कन्नौज, फरुखाबाद, मेरठ, मऊ। इसका आंसर क्या होगा? फरुखाबाद में। कहाँ पे मनाया जाता है? फरुखाबाद में जो है ये मनाया जाता है। कांपिल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में जो है कांपिल उत्सव मनाया जाता है। एक चीज फिर बता दूं दोस्तों अब आप लोगों के लिए कि हम लोग जो है एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है लेकर के आए हैं। डाटो 47 जो की जो टीम जो है दोस्तों वो अब आपके लिए टारगेट यूपी पीसीएस का जो है बैच लेकर के आई है। ठीक है, 18 जनवरी से हमारा स्टार्ट होने वाला वो बैच, आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए और आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकते हो। मेरा कोड ध्यान में रखिएगा Y259, आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिलेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच ईयर द यूनाइटेड प्रोविंसेस रिनेम एज उत्तर प्रदेश, कौन से वर्षों में जो आपके संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश हुआ था? 1947, 50, 54, 1960, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो इसका आंसर जो है आप बता दीजिएगा जरूर कि क्या होगा इसका आंसर। फटाफट जो है दोस्तों आप लोग को आंसर करने की जरूरत है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम जो उत्तर प्रदेश कब किया गया, फटाफट जो आंसर आप लोग को कमेंट कर देना दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप लोग को कमेंट करना चाहिए, फटाफट जल्दी से आंसर आप लोग को कमेंट कर देना चाहिए दोस्तों, फटाफट क्या होगा इसका आंसर, जितने लोग जरूर है सभी लोग। ठीक, लाइक कमेंट और शेयर की जो है कमी नहीं करना है और फटाफट आपको जो है आंसर भी करते रहना है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर कि कौन से साल में जो है आपके संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश किया गया था, कौन से सालों में? तो आंसर होगा दोस्तों 1950 ईस्वी में जो है ये आपका किया गया था, संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश किया गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो हिंदी में मैं बता रहा हूँ अनिल कुमार जी, आप टेंशन मत लीजिए। अगला है, विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश बाय एरिया वाइज? अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिला कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, अलाहाबाद, शाहजहांपुर। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे, याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपको कमेंट करके बतानाना होगा। यस, राज्य पुनर्गठन आयोग से यूपी रखा गया। ठीक है, बहुत अच्छे पीयूष जी, आप लोगों को भी जो कमेंट करते रहना चाहिए और लाइक कमेंट शेयर में कोई कमी नहीं करना चाहिए, जल्दी से आप बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया, आप लोगों को भी पता होगा लखीमपुर जो है दोस्तों वो आपका सबसे बड़ा है, आप लोगों को रखने की जरूरत है। क्या होगा? लखीमपुर खीरी जो है दोस्तों सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया है। देन जो है जगत गुरु, ओके, रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी विच इज ओनली यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली फॉर द डिसेबल इज लोकेटेड। जगत गुरु
राम भद्राचार्य एक आपके दिव्यांग के विश्वविद्यालय हैं, जो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है दिव्यांगों का, वो कौन से जिला में है? झांसी, एटा, बिजनौर, चित्रकूट, कौन से जिला में है? आप लोगों को कमेंट कर देने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो है आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए, जल्दी जल्दी से इसका आंसर जो है क्या होगा। और आप लोगों को भी पता ही होगा इन सारे चीज़ों के बारे में, है ना, तो जल्दी से आप लोगों को कमेंट करने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा, जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी मैं क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको कंप्लीट करना होगा और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को जो है कवरअप करना है, इसलिए मैं बोला कि आप जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करते रहिए, ताकि जो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जगत गुरु के जो आपके दिव्यांग विद्यालय है वो यूपी के कौन से जिलों में है, ये आप लोगों से पूछा गया या कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका चित्रकूट में है। कहाँ पर है? चित्रकूट में, चित्रकूट में है। ठीक है, इंद्रजीत जी भी का कमेंट आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे। अगला, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से टोटल कितने जिला है? 62, 68, 72, 75, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जरूर कि टोटल जिला कितना है आपके यूपी में, जो है टोटल जिला कितना है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करने की जो है जरूरत है, फटाफट जो है दोस्तों कमेंट करके बताइए टोटल जिला जो है दोस्तों वो आपका कितना है, जल्दी से कमेंट कर देना है आप लोगों को, टोटल जिला पूछा जा रहा है कि कितना है। ओके, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा टोटल जिला पूछा जा रहा है यूपी में कितना, ये तो बहुत ईजी है, कोई भी देखते ही इसका आंसर जो है लगा सकता है ना, आपको भी पता होगा दोस्तों कि जो टोटल जिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके यूपी में जो है टोटल जो है आपका क्या है, 75 जिला है। कितने जिला है? 75 जिला जो है टोटल है जिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सुचिता कृपी, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानुगुप्त, कौन थे सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये आप लोगों से पूछा गया, जल्दी से आप लोग भी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी से आप लोग भी कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत अच्छे, तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। हु आर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, हो ओके फोर मास जी जो आपका पेरो शाह, मोदी, विश्वनाथ दास, कौन थे उत्तर प्रदेश के पहले, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि गवर्नर कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जरूर, जल्दी जल्दी से कमेंट कर देना है। ओके, फटाफट जो है आप लोग को कमेंट कर देने की जरूरत है इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक, कि आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू, कौन? सरोजिनी नायडू थी, ये भी ध्यान में हमें रखने की जरूरत है। ओके, हाँ, पहले मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, यस, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन विच ईयर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज इस्टैब्लिश, कौन से वर्षों में बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, कौन से वर्षों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक, जल्दी से, तो आगरा की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया था। ओके, बहुत अच्छे। इन विच ईयर द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज इस्टैब्लिश, कौन से सालों में केंद्रीय जो है आपका ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ था? 1951, 1957, 1963, 1900 हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग को आंसर करने की जरूरत है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जो आप लोग को कमेंट कर देने की जरूरत है, क्या होगा आंसर।
तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों 1951 ईस्वी में आपका बना था, 1951 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के टोटल सीट कितना है? 68, 72, 76, 80। टोटल सीट कितना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग को कमेंट कर देना है दोस्तों, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टोटल सीट जो है लोकसभा का वो कितना है। फटाफट जो है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता दीजिए टोटल सीट जो है आपका कितना है लोकसभा का, जितने लोग जुड़े हुए सभी लोग। ठीक, जल्दी जल्दी से आंसर जो चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को भी पता होना चाहिए कि लोकसभा के जो टोटल सीट है वो है आपका 80। कितने हैं? 80 हैं। बहुत ही अच्छे, पीयूष वर्मा जी का आ गया, हरो एडिक्शन का आ गया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर का इसमें से कौन सा जो है दोस्तों आपका राजकीय जो है आपका फूल है? ऑर्किड्स, पलाश, लोटस, सिरोई लिली। जल्दी से आप लोग को कमेंट करने की, जो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, फटाफट जल्दी से बताइएगा होगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय फूल है ठीक है वो है आपका पलाश। राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट द नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है वो है आपका? बरेली डिस्ट्रिक्ट, बदाऊं डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले में है आपका? जल्दी से कमेंट करना है कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कौन से जिले में है, ये आप लोग को कमेंट करने की जरूरत है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है क्या होगा, फटाफट जो आप लोग को कमेंट करना चाहिए दोस्तों जल्दी से। ठीक, कि कौन से जिले में जो है दोस्तों आपका नवाब जो है बर्ड सेंचुरी है, तो ये याद रखना दोस्तों, ये आपका उन्नाव जिले में जो है, कौन से जिले में? उन्नाव जिले में है, ये ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बाई पॉपुलेशन? मतलब जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो है जिला कौन सी है? आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, कौन सी जिला जो है दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा, जो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ी जिला कौन सी है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिला? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप लोग को भी पता होना चाहिए कि इलाहाबाद जो है दोस्तों वो आपका क्या है, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा जरूर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857, 69, 76 और जो है आपका 97 में, कब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी। ओके, वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना जो है दोस्तों वो आगरा में 17 मार्च 1866 को और इलाहाबाद में 1869 में जो है ये आपका इस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में आप लोगों को रखने की जरूरत है 1869 में, और 1866 मैंने बताया था कि आगरा में जो इस्टैब्लिश हुआ था और 1869 में इलाहाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले जो है भारतीय न्यायाधीश कौन थे? विधु भूषण मलिक, इकबाल अहमद, कमलाकांत वर्मा, शाह मोहम्मद सुलेमान। इसका आंसर, जल्दी से आप लोगों को कमेंट दोस्तों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहले जो है भारतीय न्यायाधीश कौन थे, जल्दी से आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए दोस्तों। तो याद रखिएगा शाह मोहम्मद सुलेमान जो थे जो है वो भारतीय न्यायाधीश थे इलाहाबाद में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने। हु आर द स्पीकर ऑफ द उत्तर प्रदेश फर्स्ट उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 1952, 1952 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? मदन मोहन मालवीय, आत्माराम गोविंद खेर, जगदीश सारण अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास टंडन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जो आप लोगों को कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आत्माराम गोविंद खेर जो थे वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 1952 में जो है आपके अध्यक्ष थे, या ऐसे भी कह सकते हो पहले अध्यक्ष थे विधानसभा के। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ध्यान जो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वाइज। उत्तर प्रदेश जो है भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है आपका एरिया वाइज फोर्थ नंबर पे है, एरिया वाइज फोर्थ नंबर पे है। इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा जरूर। और सबसे ज्यादा जो है एरिया वाइज कौन सा है, राजस्थान है। इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अंजलि चौधरी जी, गुड इवनिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जो नेक्स्ट आएगा उसको हम लोग देखते हैं, विच वन इज रिवर ब्रिज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है आपका जो रिवर ब्रिज कौन सा है, न्यू यमुना ब्रिज, डफरिन ब्रिज, गर्मुक्तेश्वर ब्रिज, लवकुश जो है बैरेज, कौन सा है आपका सबसे बड़ा, ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए और जल्दी से बताना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा। हाँ बोलिए। तो न्यू यमुना ब्रिज जो है दोस्तों वो क्या है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है, ये ध्यान में रखना है। इन विच ईयर गोविंद वल्लभ पंत रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। गोविंद वल्लभ पंत को दोस्तों कब जो है आपका भारत रत्न अवार्ड जो है आपको मिला था, 1955, 57, ठीक है, 60, 63। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न अवार्ड जो है दोस्तों कब मिला था, जल्दी कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो गोविंद वल्लभ पंत जी को दोस्तों भारत रत्न अवार्ड जो है 1957 में मिला था। अगला, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज इस्टैब्लिश इन द ईयर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों कौन से सालों में बना था, 1875, 87, 1887, 1901, 1912? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना जो है दोस्तों कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताना होगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था, सर सैयद अहमद खान, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपका ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जो है ये स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है। तो इसमें से अगला क्वेश्चन है, हु इस्टैब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, सिबली नोआम, ओके, नोमानी, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल कलाम आज़ाद। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है दोस्तों किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके आपको बताने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो आप लोग को भी कमेंट कर देने की जरूरत है, जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है किसने किया था, जल्दी से आप लोग को कमेंट करने की जरूरत है दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है दोस्तों किसने किया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना अहमद खान जी ने किया था 1875 ईस्वी में, कब, 1875 ईस्वी में उन्होंने किया था। अगला है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, एस राधाकृष्णन, श्री सुंदरलाल? जल्दी से आप लोग को कमेंट करने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट क्या होगा इसका आंसर बताने की जरूरत है दोस्तों। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर दोस्तों कौन थे, सर सुंदर लाल, कौन थे दोस्तों, सर सुंदर लाल थे, ये ध्यान में रखिएगा। अगला, द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज इस्टैब्लिश इन द ईयर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1877, 1895, 1903, कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना जो दोस्तों कब हुई थी, फटाफट जो है आप लोगों को कमेंट करके बताने की जरूरत है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। ओके, बैग परचेज करने के बाद ऑनलाइन क्लास नहीं आती है क्या, आती है नोटिफिकेशन अंजलि जी?
लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आती है कि आपकी क्लास जो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 1887 ईस्वी में आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन द मेमोरी ऑफ ध्यानचंद? ध्यानचंद के जन्म तिथि पर दोस्तों कब जो है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आपको बताने की जरूरत है 15 जुलाई, 28 सितंबर, 22 दिसंबर, कब ये मनाया जाता है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे, दैट मीन्स राष्ट्रीय खेल दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी से आप लोग को कमेंट करने की जरूरत है, फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, जल्दी से आप लोग को कमेंट कर देना दोस्तों, फटाफट जो है बताइए इसका आंसर जो है आपका क्या होगा जितना जल्दी हो सकता है। तो ये 29 अगस्त को जो है दोस्तों आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है आपका जो है क्या होता है मनाया जाता है। कौन से बैच आपने परचेज कर, ठीक है अंजलि जी। देन इन विच ईयर द नेशनल स्टेडियम दिल्ली वाज रीनेम एज ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम? कौन से साल में भारतीय दिल्ली का नाम जो है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किया गया? 1998, 1999, 2001, 2002, क्या होगा इसका आंसर बताने की जरूरत करिएगा जल्दी जल्दी आप जरूर, क्या होगा इसका आंसर फटाफट। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना है कि कौन से सालों में मैंने बताया था कि नेशनल स्टेडियम दिल्ली का नाम जो है चेंज करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम गया, तो 2002 ईस्वी में, कब किया गया 2002 ईस्वी में जो है ये आपका किया गया था। ओके, तो कोई दिक्कत होगा एक बार आप बात कर लीजिएगा सपोर्ट टीम से, कोई दिक्कत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच मुगल एम्परर बिल्ड द फतेहपुर सीकरी सिटी? आगरा में जो फतेहपुर सीकरी जो शहर है दोस्तों उसका निर्माण जो है कौन से मुगल शासक ने किया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, किसने किया था? तो कमेंट करने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो है किसने किया था बताइएगा जरूर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी सिटी का जो निर्माण है वो आपका किसने करवाया था? अकबर ने जो है ये आपका किया था, किसने? अकबर ने ये किया था। बिसाइड हिंदी विच वन इज द अदर ऑफिस है? इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नन ऑफ द अबव, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सी है हिंदी के अलावा और कौन सी है दोस्तों आपकी आधिकारिक भाषा, जल्दी से कमेंट करने की जरूरत है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर जो है क्या होगा। तो दोस्तों इसके अच्छा आप जो है सपोर्ट टीम से या जो ईमेल करके भी आप जो है अपना जो क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसे आप जरूर करेंगे या चैट करके भी आप अपने जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, आप लोग को भी कमेंट करने की जरूरत है दोस्तों कि हिंदी के अलावा जो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा और कौन सी है, जल्दी से आप लोग को बताने की जरूरत है, फटाफट जो है दोस्तों आप लोग बताइएगा जरूर। ओके, हाँ, जब अकबर ने जो आपका गुजरात विजय जो जीता था उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी उसने बनाया था, बहुत अच्छे। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाँ तो बफिंग कुछ कॉल आ गया था इसी वजह से, तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि हिंदी के अलावा उर्दू जो है वो आपके है किसकी, उत्तर प्रदेश की, उर्दू जो है दोस्तों वो आधिकारिक भाषा है उत्तर प्रदेश की। द इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द पायोनियर वाज पब्लिश इन द ईयर, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो द पायोनियर है उसके पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ? 1865, 1871, 1896, 1899, कब जो है दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था आप लोगों को भी कमेंट करके बताने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कब जो है पायोनियर का पब्लिकेशन आपका स्टार्ट हुआ था। ओके, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, फटाफट जो है आप लोग को आंसर कर देने की जरूरत है दोस्तों, फटाफट जो है आप लोग आंसर कर दीजिए इसका आंसर जो है आपका क्या होगा। तो पायोनियर जो है दोस्तों वो 1865 में जो है आपका पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, पायोनियर जो है दोस्तों 1865 ईस्वी में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1899, 1899 में जो कांग्रेस के लखनऊ में पहला सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग को कमेंट करने की जरूरत है दोस्तों फटाफट। तो आप लोग को पता होना चाहिए आरसी दत्त जो थे दोस्तों, ठीक है, वो आपके 1899 में जो लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके वो कौन थे? प्रेजिडेंट थे, उसके कौन थे? प्रेजिडेंट थे। ओके,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच वन इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश के स्टेट फ्लावर जो है पलाश है ना। विच वन इज द लार्जेस्ट सिटी बाई पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इसमें से सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है, आगरा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, तो इसका आंसर होगा आगरा। इसके आंसर अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा हो, सॉरी आगरा बोला हूँ, सबसे बड़ा इस चारों ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा आपका कानपुर होगा। क्या वैसे सबसे बड़ा जो है आपका इलाहाबाद है यूपी का, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। दैन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो नेक्स्ट आएगा तो आप में से दोस्तों इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ जो है डिस्कस किया है, ठीक है, तो बस आप लोग को भी करना क्या है, लाइक कमेंट और शेयर जो करना है, और मेरे साथ जो आप कल भी जुड़ जाओगे 1:30 बजे, ठीक है, तो 1:30 बजे भी मैं वहाँ पर कल क्लास लेने वाला हूँ, और फिर टाइम मिलेगा तो 4 बजे है आपकी यूपी पीसीएस का भी मैं क्लास वहाँ पर लूँगा। तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कमेंट और शेयर जो दोस्तों ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।